मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त है। 5,000 से ज़ायद फीस वसूल करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला, महकमे स्कूल एजुकेशन खामोश, FIA मुतहरिक, ये मामला है क्या? बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी से। सज्जाद बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से 5,000 से ज़ायद फीस वसूल करने वालों को 20% कम काम करने और मौसम गर्मा की छुट्टियों की यकमुश्त फीस ली जाने वाली 3 माह की फीसों का आधा वालदैन को वापस करने के खुसूसी अहकाम जारी किए गए, जिस पर 15 रोज में अमल दरामद भी जरूरी है। मगर हैरान कुन अमर यह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन लाहौर अभी तक ऐसे स्कूलों की लिस्टें तैयार नहीं कर सका और ना ही इसके इलम में है कि लाहौर के अंदर कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीसें 5,000 से ज्यादा हैं। मगर इसके बरक्स लाहौर न्यूज के सर्वे के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 30 से जायद स्कूल के ग्रुप्स ऐसे हैं, यानी ग्रुप्स चेंज का इसमें जिक्र नहीं, ग्रुप्स ऐसे हैं जो 5,000 से जायद फीसें वसूल कर रहे हैं। मगर FIA के रडार में अभी तक सिर्फ 15 के करीब स्कूल्स चेंज शो हो चुकी हैं और FIA मुकम्मल लिस्ट हासिल करने में ताहल नाकाम नजर आ रहा है। दूसरी जानब हैरान कुन अमर ये है कि FIA ऐसे सरकारी और ट्रस्ट तलीमी अदारों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा जो कि एक सवालिया निशान है, और इन तलीमी अदारों में पढ़ने वाले बच्चों के वालदैन भी इंसाफ के मुंतजर हैं। दूसरी जानब FIA ने छापों के दौरान अब तक 100 से जायद स्कूलों के डेटा कंप्यूटर हिरासत में लिए हैं, जिनके फ्राजक ऑडिट के लिए सिर्फ 3 अफराद काम में मसरूफ हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम अमल 15 रोज में मुकम्मल होना जो है वो नामुमकिन है। लाहौर न्यूज के जराये का कहना है कि मौसम गर्मा की छुट्टियों के 50% फीस के वापसी का जो है वो महीनों तक भी दरकार है, लेकिन मुश्किल है कि वालदैन को ये 1-2 महीने के अंदर ये पैसे मिल सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ये 15 रोज में काम मुकम्मल होना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद कासमी।